आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। बदायूं के खुर्रमपुर भमोरी की राशन कोटे की दुकान में प्रशासन ने अचानक निरीक्षण किया। राशन कोटे के वितरण और कार्ड धारकों को राशन न मिलने की शिकायत पाकर पहुंचे प्रशासन ने सरकारी राशन कोटे की दुकान का अचानक निरीक्षण किया, जिसमें 25 कुंतल गल्ला कोटेदार के स्टॉक रजिस्टर में कम निकला। जांच करने पर कोटेदार पर गल्ला ब्लैक करने का आरोप सामने आया, जिस पर नायब तहसीलदार और सप्लाई इंस्पेक्टर ने गरीबों का हक मारने वाले कोटेदार के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए रिपोर्ट को जिला अधिकारी और जिला पूर्ति निरीक्षक के पास भेज दिया है। तो मना कर रहा है, बताओ क्या करें फिर? भिखारी जी ने की माना गई। क्या कह दिया? जो गई के भिखारी से ऐसे रोज आके खड़े हो जाते हमारे पास दरवाजे पे। अभी क्या कह दिया? अभी जो कह रहे हैं 25 तारीख को गल्ला देंगे हम। 25 को कहाँ गल्ला तो है ही नहीं। 25 तारीख को कहाँ से गल्ला देंगे? अब हम मजदूर आदमी 100-200 रुपया ये मजूरी करेंगे, बालक का कहेंगे हमारे सब बार बार देखिए कल आना परसाना कल आना परसाना। तो आज 19 तारीख आज क्या कहा गया? आज साहब जो कह दिया गया रुको रुको रुको, इसमें गल्ला ना दिन क्या ये गल्ला नहीं है। समय आपने अपने सामने वितरण कराया था? जी जी। तो आपने साइन क्यों नहीं कराए? कुछ के कराए इन्होंने, कुछ के नहीं। किसने किसने? कोटेदार ने। आपने क्यों नहीं कहा? कही तो दिए। आपकी क्या ड्यूटी बनती है फिर? क्या आपकी क्या ड्यूटी है फिर? अगर आपने इनसे कहा कि आप बकर साइन के क्यों दे रहे हैं, आपने क्यों देने दिया? किसी से करा लिए, किसी को ले। फिर आपने सत्यापन कैसे कर दिया? वितरण हुआ है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में हुए आतंकी हमले, शहीद हुए जगपाल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सलेमपुर के भैंसरौली पहुंचा। शहीद को हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव समेत कई विधायकों के साथ साथ आसपास के हजारों लोग शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। साथ ही स्वतंत्र देव ने आर्थिक मदद के लिए परिवार को 20 लाख का चेक दिया। शहीद के परिवार का रो रोकर बुरा हाल था और इस बीच हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे थे। बता दें कि आने वाले 4 फरवरी को शहीद की बेटी की शादी होनी थी और शहीद जगपाल अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए 19 जनवरी को छुट्टी पर आने वाले थे। उनकी आत्मा को शांति मिले और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे परिवार को एक ताकत साहस दे जो इनके अभाव में जी सके। और सरकार हर प्रकार से, मन योगी सरकार मन मोदी जी की सरकार, हर प्रकार से मदद और आज 20 लाख का चेक परिवार के लिए प्रदान किया गया है। यूपी के मथुरा में सिविल लाइन चौकी के सामने कार बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और कार चालक को हिरासत में ले लिया। यूपी के हमीरपुर जिले के शिक्षा विभाग में आज उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूल पढ़ने गए 40 से अधिक बच्चे एकाएक सर्दी की चपेट में आकर बीमार हो गए, जिन्हें आनन फानन में स्कूल स्टाफ द्वारा इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम इन बच्चों के इलाज में जुटी हुई है और सारे बच्चों की हालत में सुधार बता रही है। वहीं जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर इस घटना की जांच में जुट गए हैं। लल्ली के डेरा के बच्चों के विद्यालय के बच्चे हैं और सर्दी के वजह से अचानक बच्चों की 40 बच्चों की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, जिनको एम्बुलेंस के माध्यम से हमारे सरकारी अस्पताल कुरारा में लाया गया, जहां पर बच्चों की हालत कुछ ठीक नहीं है। इन्फेक्शन से पीड़ित बच्चे ऐसे महसूस समझ में आए, खांसी से प्रभावित हैं बच्चे, ऑलरेडी उनको एक इन्फेक्शन है। कारण ये है कि मिड डे मील तो इन लोगों ने खाया नहीं था, सुबह सुबह जब ऐसे ही स्कूल आए थे वैसे ही पता चला कि बीमार हो गए हैं, इनको भर्ती कराया गया, डॉक्टर ने बताया कि ठंड लगने के कारण ऐसा हुआ। यूपी के गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच और मसूरी पुलिस के 8 शातिर लुटेरे हत्या चढ़े हैं। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए लुटेरों ने एमएस कॉलेज में बायोटेक सेकंड ईयर का स्टूडेंट लोकेश की हत्या की थी। लुटेरों ने पहले लोकेश से उसका मोबाइल छीना और लुटेरों ने लोकेश की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। पुलिस ने इनके पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और लूटा गया मोबाइल बरामद कर लिया है। नईम और इसके साथी पकड़े गए हैं, ये 8 अगस्त है। इन्होंने इनका मुख्य कार्य मोबाइल छीनना, लूट करना, मोबाइल चोरी करना, इस तरह का है। घटना के दिन मृतक लोकेश अपने चाचा के यहाँ से पैसे लेकर के जा रहा था अपने दोस्तों के पास, मोबाइल से बात करते हुए ऑटो से उतरकर उसने और ये बात कर रहा था कि पैसे मिल गए हैं। तो ये वहाँ पे 6 लोग थे, इन्होंने उसको मोबाइल उससे छीन लिया और उसको बहुत
चाकू मारे, चाकू की बहुत सारी चोटें थी। घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है और मृतक का मोबाइल भी बरामद किया है गया और कुल 8 अभियुक्त गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में बदमाशों ने बीती रात को किन्नरों के घर में धावा बोल दिया। बेखौफ बदमाशों की सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला गढ़ कोतवाली क्षेत्र के नाजिम कॉलोनी का है, जहां बीती रात एक दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाशों ने किन्नरों के घर धावा बोल दिया। घर में मौजूद अन्य किन्नरों को बंधक बना लिया गया। बंदूक लाठी डंडे से लैस बदमाश घर में डकैती के इरादे से दाखिल हुए थे, लेकिन मोहल्ले में जानकारी होने पर बदमाश अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाए और किन्नर के घर से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए फरार हो गए। भैया हम अपने घर सो रहे थे और 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक कुछ बदमाश हमारे घर के अंदर आए, पता नहीं कौन थे। अच्छा, मोहल्ले में उन्होंने फायरिंग वायरिंग भी करी, किवाड़ विवाड़ भी तोड़े, पर किवाड़ मैंने टूटने नहीं दी, हम किवाड़ों पर अपने लगे रहे भैया। ये गढ़ में नाजिम कॉलोनी है, कस्बे में ही, यहाँ एक किन्नर है सलाउद्दीन और बिमला, उनके यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, 5-6 लोग, और अंदर घुसे हैं। अंदर घुस करके लोगों ने घर में इधर उधर किए हैं और किसी पे कोई हमला नहीं किया है, कोई सामान नहीं गया उनका जी। बस आए हैं, थोड़ी देर रुक के 3-4 मिनट चले गए हैं। हिमाचल के राज्यपाल आचार्य देवव्रत उत्तर प्रदेश के बागपत पहुंचे। बागपत के बिनौली के एक निजी इंटर कॉलेज में पहुंचकर वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की, जहां राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा, हमें महापुरुषों की जीवनी सीखने के साथ साथ मेहनत भी करनी चाहिए। साथ ही पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि गांव और गरीबी से निकलकर जाने वाले बच्चे ही बड़े आदमी बनते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।